अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असाइनमेंट नंबर वन। असाइनमेंट नंबर वन ऑटोमन 2022, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन का ए और बी पार्ट दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और इस तरह का क्वेश्चन अपने माइंड में बिठा लें, स्केच बना लें। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह क्वेश्चन बार बार पेपर में आया भी है और मुश्किल नहीं है। आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आ जाए इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल है, एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। मतलब जब एक्स की वैल्यू -2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, एक्स की वैल्यू -1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी के है, एक्स की वैल्यू 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी 2 के, 2 है तो 0.3, 3 है तो 3 के। तो ये एक्स की वैल्यूज है और नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड करें, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एक्स इज लेस देन 2। एक्स, जब एक्स की वैल्यू 2 से छोटी हो तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी अब निकालनी है कि एक्स की वैल्यू जब 2 या 2 से बड़ी हो, 2 भी या 2 से बड़ी हो। उसके बाद चौथे नंबर पे वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें जब एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी हो और एक्स की वैल्यू 2 से छोटी हो, मतलब -2 और 2 के दरमियान, ठीक है, वो कितनी होगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। लेकिन आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। उससे फायदा होगा कि जो भी मैं क्वेश्चन इस तरह का अपलोड करूंगा तो उस वक्त आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अलामा अकबर ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एज वी नो दैट समेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इस बात को आपने समझना है कि यह है क्या। देखिए, इसका मतलब होता है सम। क्या, इसको क्या कहते हैं, सम। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, मतलब कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं उन सब को जमा करें तो 1 आता है। ये प्रोबेबिलिटी का रूल है, ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। तो एक ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जितने भी ये प्रोबेबिलिटीज हैं उन सब का जो सम है वो 1 के इक्वल है। अब हमने सभी प्रोबेबिलिटीज को क्या करना है, उसका सम लेना है ना। तो सम कैसे लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2, 3, इस तरीके से हम लिखेंगे यहां पे। मतलब कि यहां पे इसकी जगह पे ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.1 और प्लस के 0.2, 2 के, ठीक है, और 0.3 और 3 के। ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं इन सब को ऐड कर देना है। इस अब यहां पे एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, वो कैसे, और यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ऐसे लिखेंगे और इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। आप ये एक स्टेप बना सकते हैं और भी, ठीक है। एक मैंने वो यहां पे स्किप किया, मैंने डायरेक्ट ये जो आंसर दिए हुए ना प्रोबेबिलिटीज हैं इन सब को ऐड करने हैं, ठीक है। तो इन सब को मैंने किया है ये ऐड, तो ऐड किया है तो इसका आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। ये कैसे पता चला आपको, ये आपको ऊपर मैंने फार्मूला बता दिया उसी से पता चला आपको, ठीक है। ले जी, मैंने ये रेज कर दिया। देखिए, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1 होता है, तो ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं इनको आपने सिंपली ऐड करना है, ऐड करेंगे इक्वल टू 1 आ गया। अब के प्लस 2 के प्लस 3 के, 3 और 2 5 और 1 6, ये 6 जो ना के हो गया, 0.1 प्लस 0.2 0.3 हो गया और 0.3 0.6 हो गया इक्वल टू 1। ये 0.6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा और ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब इनको डिवाइड करेंगे तो 0.06 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा,
ये स्टेप हो गया आपका, के की वैल्यू यहां पे आ चुकी है। यहां पे हम के की जगह के की इसकी जगह पे आप ये आंसर लिखेंगे 0.06, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है 2k की वैल्यू। 2k की जगह पे यहां पे 2 आ गया, k की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, वो हम एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद 3k है, 3 वैसे के वैसे k की वैल्यू हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहां पे 0.18, ठीक है। ओके, ये हमारे पास k, 2k, 3k वैल्यूज आ चुकी है। यहां पे हम वो वैल्यूज दर्ज कर देंगे बस, के यहां पे k की वैल्यू 0.06 है, 2k की वैल्यू 0.12 है, 3k की वैल्यू 0.18 है। ओके चलें जी, अब उसके बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो तो हो चुका है सॉल्व। जो पहला स्टेप है k की वैल्यू वो तो हमने निकाल लिया, यहां पे ये पहला आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर हमने निकालना है कि प्रोबेबिलिटी जो ना वो x इज लेस देन 2, जब x की वैल्यू 2 से छोटी हो तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए, जब x की वैल्यू 2 से छोटी हो, 2 से छोटी इस तरफ छोटी होती है और इस तरफ बड़ी होती है, तो ये 2 से छोटी मतलब ये 1, 2, 3, 4 वैल्यूज है, ठीक है। आपने यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ -2, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1, 0 और 1, ठीक है, ऐसे करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो ये -2 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे k की वैल्यू जो ना वो दी हुई है 0.06 है, और आगे 0.2 है, और आगे 0.12, 2k की वैल्यू यहां पे 0.12 निकाल लिया, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, के जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो तो उसको उस वक्त प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। इसका मतलब यहां पे क्या है कि यहां पे 2 इंक्लूड है, यहां पे 2 शामिल नहीं था, 2 से छोटी वैल्यूज लेनी थी, लेकिन यहां पे वो क्या कह रहा है कि 2 भी शामिल है, 2 से बड़ी वैल्यू वो भी शामिल है, मतलब कि ये 2 और 3 दोनों, तो इन दोनों की वैल्यूज जो ये वाली दी हुई इनको सिंपली आपने ऐड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, इनकी वैल्यूज जो दी हुई है उनको सिंपली ऐड कर लेना है बस। चौथे नंबर पे वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो ना वो एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी हो, 2 से छोटी हो, 2 और -2 के दरमियान, 2 और -2 के दरमियान ये 3 वैल्यूज है, इन तीनों को आपने यहां पे लिख लेना है, -1, 0 और 1, इनके जो आंसर हैं उनको आपने सिंपली ऐड कर लेना है। तो ये 0.06 आ गया, 0.2 आ गया, 0.12 आ गया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0.38 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पर जो आता है उसमें है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 1, सॉरी एक्स इज लेस देन 1, जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो। हाँ, एक बात यहां पे याद रखनी है, अगर आप कंफ्यूज है ना इस अलामत के हवाले से, ये इस अलामत के हवाले से आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, ये जो दो लाइनें हैं ये जिस तरफ होंगी वो बड़ी होगी, जो जिस तरफ ना हो वो छोटी होगी। सिंपल कि ये वाली दो लाइनें इस तरफ है ना, तो यहां पे जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, यहां पे छोटी होगी। अगर मैं इस तरह से कर दूं तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, अंडरस्टैंड, इस बात को आपने याद रखना। तो यहां पे एक्स छोटा है और वन बड़ा, एक्स की वैल्यू जब एक से छोटी हो तो मतलब एक से छोटी जो 1, 2, 3 ये 3 वैल्यूज है वो आपने यहां पर लिखना है, -1, -2, ठीक है, और 0, 0, -1 और -2, ये 3 वैल्यूज यहाँ पे लिख लेने, इनके आंसर यहाँ पे लिख लेने हैं, इनको ऐड करना, ये आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, ठीक है। इस तरह का इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ना हम करेंगे इसका दूसरा बी पार्ट। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।